आपको बता दें, जो लोग शनि की साढ़े साथी और गैया से परेशान रहते हैं उनको कुछ खास उपाय करने चाहिए, वरना उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, इस समय मकर, धनु और वृश्चिक राशि पर साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, वहीं वृषभ और कन्या पर गैया चल रही है। इन राशि के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इनको शनिवार को शनिदेव की पूजा करने के बाद तिल के तेल से आरती करें तो शनिदेव प्रसन्न हो सकते हैं। इस आसान से उपाय से आप इन दोषों से बच सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं शनिदेव की सारी पूजा की विधि क्या है। हम आपको बता देते हैं कि शनिवार की शाम को स्नान आदि करने के बाद घर के किसी साफ स्थान पर शनिदेव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। शनिवार के दिन शनिदेव के सामने नीले फूल, काला कपड़ा, काली उड़द और काले तिल चढ़ाएं। इसके साथ मीठी पूरी का भोग भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप काली तुलसी की माला से ओम शें शनिचराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। उसके बाद आप फिर तिल के तेल से एक चौमुखा दीपक जलाएं और उससे शनिदेव की आरती करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में साढ़े साथी और ढैया का अंत हो जाएगा। शनिदेव ऐसा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से आरती करने के बाद आप घर के हर कोने में आरती घुमाएं। इस तरह घर की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। आप मन ही मन शनिदेव से परेशानियां दूर करने के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। आपको जरूर लाभ होगा। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।